हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ हमारे ब्रोकर के बारे में। ओके, तो फिनवेशिया का मैं यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ। मुझे फिनवेशिया को यूज़ करते हुए कुछ मंथ्स हो गए हैं, तो क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं फिनवेशिया के अंदर और कैसे हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बिना अपना कोई लॉस लिए हुए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, तो और अगर किसी को मेरे से कनेक्ट होना हो ना, तो आप ये ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो। मैं इसका लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो के, तो वहाँ पे आप लिंक में क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम जंप करते हैं सीधा हमारे टॉपिक की तरफ, तो मैं बात करने वाला हूँ फिनवेशिया ब्रोकर के बारे में। तो गाइज देखो, फिनवेशिया ब्रोकर के पास कुछ कुछ टर्मिनल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि वेब टर्मिनल है, इसके अलावा EXE एप्लीकेशन भी है, तो ये सारे ही हम रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेब टर्मिनल के बारे में। अब वेब टर्मिनल जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, सेम एज जेरोधा है, जैसा कि जेरोधा का टर्मिनल है, लगभग उसी तरीके का टर्मिनल है। कुछ डिटेल्स ज़्यादा इसके अंदर मिल जाती हैं, बट इस वेब टर्मिनल में ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस करी वो क्या है कि बहुत ज़्यादा ना यूज़र फ्रेंडली नहीं है ये। यानी कि अगर आपको कोई बास्केट ऑर्डर भी बनाना है ना, तो आपको टाइम बहुत लगेगा। जैसे कि हम जेरोधा के अंदर क्या करते हैं, बहुत स्पीडली वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती है। आप क्लिक करेंगे तो तुरंत से चीज़ें खुलेगी, फटाफट से आप इसको एडिट करके डाल सकते हैं, बट यहाँ पे वो स्पीड आपको नहीं मिलेगी। क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम का डिले हमको दिखता ही है। अब वो आपको मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता, लेकिन वो आपको जब आप खुद से यूज़ करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि वो मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ बेसिकली, तो थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है, इस वेब वाले टर्मिनल के अंदर। इसके अलावा एक टर्मिनल अवेलेबल है जो कि EXE टर्मिनल है। ये मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट, जहाँ से कि वो सारे लैग्स जो भी हैं वो इसके अंदर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको स्पीड के साथ काम करना है तो इसके अंदर इजीली करा जा सकता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। इसकी बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब में ऑलरेडी हैं, कि कैसे आप इन प्लेटफॉर्म्स को मॉडिफाई कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और सिंपली ऑप्शन चेंज से ही हम सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिससे आप बाय सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस वाले वर्जन के अंदर अवेलेबल हैं, अगर आप EXE वर्जन डाउनलोड करते हो तो। अब मैं मोटा मोटा हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे उसे हमें सॉल्व करना है और जनरली क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को आती है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ बेनिफिट्स के बारे में कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके। तो बेनिफिट जैसा कि सबको पता है, नंबर वन क्या है कि जीरो ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, कि आपका ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो रहता है। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है क्योंकि हमारा ब्रोकरेज जीरो रहता है। अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं अगर अपने ही ऑर्डर्स की बात करूँ, मैं अभी 9 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा जो ऑन एन एवरेज ऑर्डर है पर डे, वो कभी कभी तो देखो 8-10 ऑर्डर का ही रहता है। मतलब 8-10 तो मैंने कम ही बोल दिया। जैसे हम आज की बात कर लेते हैं, आज कितने ऑर्डर्स हैं, 12 ऑर्डर हैं। एवरेज मैं बताऊँ तो 20 ऑर्डर का एवरेज रहता है। ठीक है, कि आपको लगभग लगभग 20 ऑर्डर दिन के हो जाते हैं, है ना। मेरे 20 ऑर्डर लगभग दिन के हो जाते हैं। अब मैं कितने दिन ट्रेड कर रहा हूँ, मंथ में 20 डेज में ट्रेड कर रहा हूँ, 20 ऑर्डर पर डे, यानी कि 400 टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे हो गए। और जो चार्ज रहता है वो कितना रहता है, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, जो बेसिक चार्ज है वो इतना ही है। यानी कि रुपीज़ कितना हो गया, ये 8,000 रुपीज़, है ना। प्लस आप इसमें GST वगैरह प्लस करेंगे तो ये कुछ भी नहीं, तो 9,000 तक तो आ ही जाएगा। और ये क्या है, दिस इज 1% ऑफ माई कैपिटल। ठीक है, तो मेरे कैपिटल का 1% तो मैं ब्रोकरेज एंड ऑल इसी सब में पे कर दूंगा। तो मेरा ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ये मेरे को एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। तो ये बेनिफिट है और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ना। मेरी कैपिटल के हिसाब से ये बड़ा बेनिफिट है। जैसे जैसे आपके कैपिटल साइज बढ़ जाता है, मानो आप 25 लाख से, 30 लाख से, 50 लाख से ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपके लिए ब्रोकरेजेस उतना बड़ा मैटर नहीं रखते हैं, तो बट हम बात कर रहे हैं अभी, मुझे लगता है जो जनरल लोग हैं, जो एवरेज कैपिटल है वो 5 लाख की कैपिटल है एवरेज जो लोगों के पास होती है, तो उन लोगों के लिए तो ब्रोकरेज बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। यस और नो? तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। दूसरा एक जो मुझे बड़ा अच्छा बेनिफिट लगा वो ये है कि फ्री API, मतलब इसके अंदर ना सारी ही चीज़ें फ्री है। सिर्फ ब्रोकरेज की बात नहीं है, हर चीज़ आपको API फ्री में मिलेगी। ठीक है, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ये फ्री में ऑफर करता है, जैसे कि कॉल एंड ट्रेड सर्विस, वो भी फ्री में ऑफर करता है। तो कहीं पे भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, ना ही कोई हिडन चार्जेस हैं। API का क्या बेनिफिट है, बहुत सारे लोग एल्गो यूज़ करते हैं, तो एल्गो जब आप यूज़ करते हो तो आपको API की ज़रूरत पड़ती है।
अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग एपीआई के पर मंथ के हिसाब से चार्ज होते हैं। ज़ेरोधा में लगभग आई गेस 2000 रुपीज़ पर मंथ का चार्ज है। ऐसे ही अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग चार्जेस रहता है। फिनविजिया के अंदर ही बिल्कुल फ्री है, सोनिया के अंदर आपको कोई भी एपीआई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके अच्छा, कुछ लोग ये फिनवेशिया और सोनिया में भी कंफ्यूज होते हैं, स्टार्टिंग में मैं भी हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया था ऐसा क्या है। तो मैं बात देखो, फिनवेशिया इज़ अ कंपनी, ओके, फिनवेशिया एक पेरेंट कंपनी है और सोनिया इसका प्रोडक्ट है। सोनी क्या है, सोनी हमारा ब्रोकर हाउस है बेसिकली, जहाँ पे हम अपना ट्रेडिंग करते हैं वो ब्रोकर हाउस हमारा सोनी है, जो कि हमें सारा ये ब्रोकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में क्लियरिंग सर्विसेज भी करते हैं, तो और भी चीज़ें इनकी है, राइट ना। तो सोनिया इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फिनवेशिया, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये तो बात हो गई बेनिफिट्स की, मेन मेन बेनिफिट जो है। ड्रॉबैक जो है ब्रोकर के, वो और उनका सॉल्यूशन अब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। ओके, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है गाइज, वो तो यही है कि जो वेब वर्जन है ना, जो मैंने आपको अभी इससे पहले दिखाया था, ठीक है, वेब वर्जन के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, यानी कि जो हमारा ये वेब वर्जन है यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 अगर आप चार्टिंग खोलने जाओगे ना, तो अब देखो मैंने क्लिक करा, ये टाइम लगाता है पहली चीज़, तो ये वाला लैग की बात मैं कर रहा था, और यहाँ पे चार्टिंग अच्छे से नहीं आती। अगर आप लाइव मार्केट में चार्ट देखने जाओगे तो बिल्कुल कई बार तो लोड ही नहीं होते हैं, कई बार बहुत ही गलत तरह से लोड होते हैं और आपको बिल्कुल भी सही डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट ना। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। क्लोज होने के बाद चार्ट इसमें फिर भी कई हद तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में तो मैंने बहुत ही मुश्किल से मैंने देखा है कि कहीं पर सही से चार्टिंग काम कर रही हो शून्य के अंदर, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल, मत देखो शून्य के अंदर चार्ट्स। आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर लो, या फिर इतना तो है ना कि आपका कोई ना कोई और ब्रोकर में अकाउंट होगा, ज़ेरोधा में होगा तो वहाँ पे यूज़ कर लो, राइट ना। आप काइट के चार्ट्स यूज़ कर लो, आप फायर्स में यूज़ कर लो, तो किसी और ब्रोकर से यूज़ कर सकते हो, वरना डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू तो यूज़ आप कर ही रहे हो, तो उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। इसके अलावा सेकेंड जो एक बड़ा प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है, डिले होने का, कि वेब वर्जन के अंदर ऑर्डर्स हमारे डिले हो जाते हैं, मतलब वेब वर्जन में आप फटाफट से ऑर्डर पंच नहीं कर पाते हो, राइट, उतना ज़्यादा हैंडी नहीं है वो। तो उसका सॉल्यूशन क्या है गाइज, कि आप EXE एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, है ना, यानी कि जो एप्लीकेशन आप डायरेक्टली अपने पीसी में यूज़ कर सकें वो वाली एप्लीकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड होनी है, डायरेक्टली अगर आप वेबसाइट में जाओगे ना, फिनवेशिया की वेबसाइट में, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हो। जैसे मैं गया फिनवेशिया में, इसमें गया मैं टूल्स के अंदर डाउनलोड्स, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स के अंदर एप्लीकेशन मिल जाएगी, ये रही आपकी वेब एप्लीकेशन, राइट। तो इस पर आप क्लिक करोगे, सॉरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो EXE जो फाइल है आपकी वो डाउनलोड हो जाएगी, उसे इंस्टॉल करके फिर आप इजीली यूज़ कर सकते हो, जो कि ये वाली फाइल है, राइट। और इसके अंदर के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, आप ऑप्शन चेन से ही ऑर्डर पंच कर सकते हो, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए फटाफट से ऑर्डर पंच करना। और इसके अंदर डिले होता हुआ मैंने बिल्कुल नहीं देखा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो तुरंत से विंडो ओपन होकर आती है और आप बहुत स्पीड के साथ इसके अंदर डेटा फीड करके बहुत जल्दी से अपने ऑर्डर लगा सकते हो, राइट। ये स्पीड मैंने वेब वर्जन के अंदर नहीं देखी है। तो जो हमारा प्रॉब्लम था वेब वर्जन वाला, उसका सॉल्यूशन और जो डिले है उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है कि आप डायरेक्टली EXE एप्लीकेशन से ही अपने ऑर्डर पंच करें, ओके। अब थर्ड और एक बहुत बड़ा डाउट जो आता है लोगों को, वो ये आता है कि जैसे कि सब कुछ फ्री इसके अंदर है, तो क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, राइट। आई गेस ये यही सबसे बड़ा डाउट सबका होगा कि क्रेडिबिलिटी क्या है ब्रोकर की, ठीक है ना, मतलब मैंने फंड्स ऐड करे हैं, क्या सेफ्टी है मेरे फंड्स की, कल के दिन ब्रोकर भाग गया तो, है ना, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, मैं अब उसकी बात करता हूँ, ठीक है ना। देखो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको क्या करना है ना, कि जो भी हमारे फंड्स होते हैं, जितने भी आप फंड यूज़ कर रहे हो, उस फंड को कभी भी कैश के फॉर्मेट में मत रखो, मतलब डायरेक्टली कैश होल्ड मत करो। आप क्या कर सकते हो, आप लिक्विड बीज बाय कर सकते हो और उनको कोलेट्रल कर लो, लिक्विड बीज को आप बाय करो और उसके उसको प्लेज कर दो बेसिकली, ठीक है ना, उनको प्लेज कर दो। 8% का हेयर कट कटता है लिक्विड बीज के अंदर, मतलब अगर आपका 1,00,000 रुपये कैश है और आपने उसको में लिक्विड बीज खरीदा और उसको प्लेज करा, तो 92,000 रुपीज़ जो है वो आपको 1,00,000 पे मिल जाएंगे फॉर ट्रेडिंग, विच इज़ गुड, है ना, उतना बड़ा कोई इशू नहीं है, इतना पैसा आपको मिल जाएगा फॉर ट्रेडिंग और फिर आप उस पर ट्रेड करो। अच्छी बात क्या है कि इस 1,00,000 पे आपको
इंटरेस्ट भी मिलता है लिक्विड बी में, ऑन एन एवरेज 4% पर एनम आप मान के चल सकते हो कि आपको मिल जाएगा, राइट ना, मतलब 4000 पर एनम आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास 92K है जिससे आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर कभी प्रॉब्लम आती है, ब्रोकर भागता है या कोई भी इशू होता है, तो आपका जो ये कैपिटल है ना, जो आपने लिक्विड भी बाय करा, ये तो CDSL में जो आपका डीमेट होल्डिंग है वहाँ पर रहेगा, है ना, CDSL या NSDL जहाँ पे भी होगा वहाँ पे रहेगा। ब्रोकर के जाने से कोई भी इशू नहीं आता, भले ही प्लेस्ड हो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना, वो आप ही के नाम पे रहेंगे, उन पे ब्रोकर उस पे कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है। और एक और प्रॉब्लम आ जाती है जो कि 50% आपको पता होगा, 50% कैश में होल्ड करना होता है कहते हैं, तो वो कैश या कैश इक्विवेलेंट होता है। तो जब हम लिक्विड भी खरीदते हैं ना, तो लिक्विड भी से प्लेज करके जो आपको मार्जिन मिलेगा वो एज अ कैश ही ट्रीट होता है, ठीक है ना। तो इसकी कोई प्रॉब्लम मत लेना कि 50% कैश नहीं रखूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लिक्विड बी खरीद के उसको प्लेज करके उसके कोलेट्रल लेके ट्रेड कर रहे हो, तो वो जो आपको मिला है वो भी एज अ कैश ही ट्रीट किया जाता है, समझ में आ रहा है। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है, कैश ज्यादा होल्ड मत करो, दैट्स इट। जैसे अगर मैं आपको अभी अपना अकाउंट दिखाऊं, मैंने हालांकि कैश अभी होल्ड करके रखा है जो कि मैं अभी स्लोली स्लोली इसको कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो टोटल, मैं अगर यहाँ पे जाके दिखाऊं आपको मार्जिन्स में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, कहाँ से दिखेगा, ये रहा 4,87 एंड समथिंग समथिंग, ठीक है। फिर आज का थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा तो 4,10,000 आप मान सकते हो। ये क्या है, ये अभी पूरा एज अ कैश रखा हुआ है, बट मैं इसको चेंज कर लूंगा, समझ रहे हो ना। मैं इसको क्या करूंगा, लिक्विड में धीरे धीरे कन्वर्ट करूंगा और मैं पूरा कर लूंगा, क्योंकि मैंने अभी इसी मंथ 2 लाख का कैपिटल ऐड करा है, तो मैं धीरे धीरे इसको कन्वर्ट कर लूंगा, इतना बड़ा इशू नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है जो कि सभी ब्रोकर्स में आता है, वो इसमें भी आता है। वो क्या प्रॉब्लम है गाइस, कि कभी कभी, देखो ज़्यादातर नहीं होगा, मैं अगर फिनवेशिया को मैं आपको बताऊँ ना, पिछले 2 महीने के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और पिछले मैं अगर बताऊँ, लगभग अगस्त से लेके अभी तक एक दिन मुश्किल से 15 या 20 मिनट्स के लिए ऐसा हुआ था जहां पे कुछ ऑर्डर आपके पंच नहीं हो रहे थे। तो ये प्रॉब्लम कभी ना कभी हर ब्रोकर में आता है, कभी जर्गा में भी आया है पिछले 2-3 महीने में एक बार, हर ब्रोकर में आता ही आता है। क्या प्रॉब्लम, सर्वर का इशू है ना, सर्वर डाउन हो जाना, यानी कि आपका ब्रोकर अचानक से डाउन हो गया, आपके ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इस केस से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सॉल्यूशन जो है ना, वो ये है कि अपना एक बैकअप ब्रोकर तैयार रखें, अपना एक बैकअप ब्रोकर हमेशा तैयार रखें। मुझे पता है जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपका अकाउंट एक ही ब्रोकर के साथ है, नहीं, 3-4 ब्रोकर हाउस में होगा ही होगा। मैं अगर अपना ही बताऊं, मेरा जेरोधा में भी, मेरा डीमेट अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, फायर्स में भी बनाया था, 5paisa में भी बनाया था, उससे पहले अगर हम बात करें तो ICICI में भी बनाया था, राइट, उससे पहले आस्था में भी बनाया था, बहुत सारे बहुत पुराने जगहों पे भी बनाए हुए थे, राइट, जो कि कभी यूज़ नहीं करे। तो आप उसमें से एक दो जो आपके ब्रोकर हैं, जैसे मेरे केस में मैंने जेरोधा और फायर्स, ये दो ऐसे ब्रोकर हैं जो बिल्कुल रेडी रखे हैं, जिसको मैं किसी भी वक्त लॉगिन करके अपनी कोई भी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। जरूर मैंने थोड़ा सा फंड रख दिया, मतलब 20,000 का फंड मैंने रख दिया, कभी कुछ प्रॉब्लम अगर मेरे ब्रोकर में आता है तो वहाँ से मैं स्क्वायर ऑफ करने के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ। उस समय अगर जरूर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुरंत फायर से शिफ्ट करके वहाँ पे कुछ फंड ऐड करके उसको भी वहाँ से भी स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, तो समझ में आ रहा है। तो हमें अपना बैकअप ब्रोकर हमेशा रेडी रखना है इन एनी केस ऑफ सर्वर इशू, ठीक है। सर्वर इशू अगर आता है तो हमें वहाँ पे हेल्प इससे मिल जाएगी, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जनरली नहीं होगा, लेकिन जब होगा ना तब प्रॉब्लम आपको आएगी, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमें रेडी हमेशा रखना होता है अपना एक ब्रोकर। ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी ही जाके आप अपना कोई ना कोई एक ब्रोकर सेटअप कर लें, जहाँ पे कि आप अपने ऑर्डर्स को स्क्वायर ऑफ कर सकें, समझ रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है किसी ब्रोकर में, मानो आपने फंड इन रखा ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद ऑर्डर लगना ही बंद हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जो भी आपका बैकअप ब्रोकर है उसमें महीने में एक ट्रेड छोटा सा 50 रुपये का तो डाल ही दें, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन बाय करके भेज दो उसको तुरंत, या आज बाय करो कल भेज दो, ऐसे करके उस अकाउंट को एक्टिव तो रखें, है ना। हर क्वार्टर में एक एक ऑर्डर उसमें लगा लें ताकि वो एक्टिव तो रहे कम से कम, समझ रहे हैं ना। तो ये है 4 मेजर प्रॉब्लम गाइस, जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। सॉल्यूशन बस क्या है, बेसिक बेसिक अगर हम बात करें तो हमारे पास EXE एप्लीकेशन रेडी रहनी चाहिए, जहां से आप ऑर्डर पंच कर सकते हो। चार्टिंग के लिए आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर लीजिए। फंड्स जितने भी हैं वो कैश के फॉर्म में मत रखें, उनको लिक्विड बी के फॉर्म में रख के कोलेटरल लेके ट्रेड करें, और अपना एक बैकअप ब्रोकर हमेशा तैयार रखें। अगर ये 4 चीज़ें हैं ना,
तो फिर ब्रोकर फिनवेजिया हो या कोई भी हो, कोई भी ब्रोकर हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कल के दिन वो कहीं भी जाए, आपको कुछ भी इशू नहीं उससे होने वाला है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। एज अ ट्रेडर हमारा काम है रिस्क को जितना हो सके कम करना, राइट ना, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिनवेजिया ब्रोकर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, जितना मेरा नॉलेज होगा मैं उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर दूंगा, ओके। और पर्सनली कनेक्ट होना हो तो मैंने ट्विटर का आपको अकाउंट तो बता ही दिया है, राइट, इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा वीडियो के। तो सुनिए, मैं अकाउंट ओपन करना हो तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और न्यू लर्निंग।